पटना में स्टील से बनाया गया देश का पहला रेलवे ओवरब्रिज आरओबी जनता के लिए खुल गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। पटना एम से दीघा तक जाने वाली 12 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड के बन जाने से अब आरा से छपरा जाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। आम लोगों की काफ़ी हद तक जाम से निजात भी मिलेगी। इस सड़क के बन जाने से अब लोगों को एम्स तक आने जाने में काफ़ी सहूलियत हो गई। नई सरकार के गठन के बाद यह पहला लोकार्पण कार्यक्रम था। 1279 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 12.27 किलोमीटर लंबा यह पथ बिहार का सबसे लंबा एलिवेटेड पथ है। पटना दिल्ली रेलवे लाइन के ऊपर 106 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। पटना के नेहरू पथ पर पूर्व से निर्मित आरओबी के कारण एलिवेटेड पथ की ऊंचाई लगभग 25 मीटर है, जिसका निर्माण अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। उसे भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। यह पथ व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी लाभप्रद होगा और इसके अलावा राजधानी पटना की सड़कों पर दबाव भी कम होगा और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन के बाद कहा कि सरकार ने निर्णय 2013 में ही कर लिया था और सरकार की उसी समय की सोच थी जिससे एलिवेटेड बनाया गया। और यह पहली बार ऐसा सोचा गया कि एलिवेटेड सड़क के नीचे बगल से एक सड़क है और एलिवेटेड सड़क को ऊपर से क्रॉस करता हुआ एक दूसरा एलिवेटेड सड़क है। इसको हम लोग एलिवेटेड बनाए और आप देख लीजिएगा कि ये विशेष तौर पर एक सड़क है उसके ऊपर एलिवेटेड, उसके बाद उसको भी एक और उसके ऊपर एलिवेटेड क्रॉस कर रहे हैं। पहली बार सोचा गया और उसके बारे में केंद्र सरकार के भी अधिकारी आए, सब लोगों को लगा कि नहीं बहुत अच्छा आइडिया, तो ये हमने ही सुझाव दिया था और उसके बाद ये हुआ। और ये तो 2018 तक हो जाना था इसका लक्ष्य, लेकिन चूंकि आरओबी बनने में और फिर हम लोगों ने बातचीत किया माननीय रेल मंत्री जी से और यहाँ रेल के अधिकारियों से, तो तेजी से यहाँ पर काम शुरू हुआ। अब चूंकि आरओबी जरूरी था, जब आरओबी बन गया रोड ओवर ब्रिज, तो उसके बाद लिंक हो गया और अब आप समझ लीजिए कि लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितनी सहूलियत हो। अब जाने का एक ही रास्ता नहीं, नीचे से भी आने का रास्ता है और दूर से लोग चलेंगे तो अब कितना कम समय में लोग पहुंच पाएंगे। और आप जानते हैं कि धीरे धीरे और ज़्यादा व्हीकल्स की संख्या बढ़ती है, आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, तो वैसी स्थिति में जो ये नया और एलिवेटेड के ऊपर भी एलिवेटेड पथ का निर्माण किया गया है, ये बहुत ही उपयोगी है। और आप देख लीजिए, बिहार की एक खास चाहत थी और वो पूरा हुआ। ये बात अलग है कि हम उसको 2018 में कर देते, लेकिन उसके बाद चूंकि आरओबी का भी काम पूरा हुआ, अब उसके बाद ये मौका लगा तो फिर जो नया कार्यकाल आया है उसका पहला काम करने का मौका मिला तो बड़ी खुशी। एक सवाल है सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब लोगों को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में काफी सहूलियत होगी। यह एक रास्ता नहीं है, इसके अलावा भी नीचे से भी आने जाने का रास्ता है। आने वाले समय में गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी, इसको देखते हुए एलिवेटेड सड़क के ऊपर से एक और एलिवेटेड सड़क इस तरह का निर्माण काफी उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिहार की खास चाहत थी जो आज पूरा कर दिया गया है। खुलासा के लिए पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट।